कुमार। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं हुंडई क्रेटा N9 का जो N8 DCT टर्बो के साथ आता है। हम सबसे पहले फ्रंट की ओर चलेंगे और फ्रंट की ओर बात करेंगे। यहाँ पे आप ग्रिल देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक ड्रेस में आपको ग्रिल दिया गया है, जो कि आपको काफ़ी स्पोर्टी और काफ़ी मस्कुलर को फील दे रहा है। यहाँ पे साथ में आपको N9 की बैसिंग दे रहा है, जो N9 के स्पोर्टी को काफ़ी दर्शाता है। यहाँ पे हम DRL की बात करेंगे, यहाँ पे आपका पूरा यह DRL दिया गया है, जो कि डे रनिंग लाइट होता है, ये कनेक्टिंग पूरा है। बोनेट सेट के बारे में बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेड जैसा फील आने वाला ये बोनेट सेट है। अगर यदि हम यहाँ पे स्किट्स प्लेट की बात करेंगे तो सिल्वर फिनिश में आपका स्किट्स प्लेट दिया गया है, जो कि इंजन को प्रोटेक्ट करता है। अगर हम यहाँ साइड प्रोफाइल के बारे में बताएंगे तो हम लाइट पे आ गए, यहाँ पे आपको LED लाइट दिया गया है, जो कि सिग्नेचर लाइट है। यहाँ पे हम साइड प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, जब 18 इंच के टायर आपको कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है, जो कि सिर्फ N9 में ही मिलता है 18 इंच, और बाकी के वेरिएंट में 17 इंच का आपको मिल जाता है, जो कि N9 की बैसिंग आपको टायर में भी देखने को मिलता है। रेड क्लिपर का जो यहाँ पे दिया गया है डिस्क ब्रेक का, वो काफ़ी स्पोर्टी को फील दे रहा है। रेड स्टिचिंग दिया गया है, जो कि N9 को दर्शाता है कि काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी के लिए ये गाड़ी है। हम यहाँ पे फेंडर में बात करेंगे तो N9 की बैसिंग इधर भी आपको देखने को मिल जाता है। हजार्ड लाइट का इंडिकेट्स इधर आपको इंडिकेटर के ही आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर हम बात करेंगे, ये रिवर्स सेंसर दिया गया है, कीलेस एंट्री है, तो यहाँ सिर्फ चाबी रखने से आपको लॉक अनलॉक इसी वे में हो जाएगा। हम चाबी के बात करेंगे, इस टाइप पे आपका चाबी है लॉक अनलॉक एंड बूट ओपन करने का। अगर यदि हम पीछे की बात बारे में बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पीछे में हम बात करेंगे तो पीछे में आपको कनेक्टिंग टेल लैंप दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी मस्कुलर को फील दे रहा है। हाई स्टॉक माउंट लाइट ऊपर में आपको दिया गया है। यहाँ पे ये आपको रियर स्पॉइलर दिया गया है, जो ब्लैक में है, और ये पियानो ब्लैक फिनिश में है, तो काफ़ी स्पोर्ट को ये दे रहा है। यहाँ पे रियर आपका वाइपर दिया गया है, यहाँ पे हुंडई की लोगो एक्सटेंड की बैसिंग, N9 की बैसिंग आपको, और ये आपको जो रेड स्टिचिंग दिया गया है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे ये जो स्किट्स प्लेट दिए गए हैं ब्लैक फिनिश में, वो काफ़ी प्रोटेक्टेबल है, और बाइक वगैरह सिटी वगैरह में चल रहे हैं तो बाइक वाले को अक्सर इसी पे ही जाके ब्रेक लगता है। हम बात करेंगे ट्विन टिप मफलर का, एग्जॉक्सर का, जो डबल एग्जॉक्सर है, काफ़ी मतलब साउंड काफ़ी ज़्यादा प्यूरीफायर करके आपको यहाँ पे देता है, और ऊपर में शार्क फिन एंटीना मिलता है, ब्लैक फिनिश में ही आपको रूफरेल कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर हम इंटीरियर के बारे में बात करेंगे, ये आपका ड्राइवर साइड गेट हो गया, ये ड्राइवर साइड गेट हो गया, यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो को ऑपरेट मिल जाता है, चाइल्ड विंडो लॉक, सेंटर लॉक अनलॉक, आप मिरर को फोल्ड कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली, एडजस्ट भी कर सकते हैं। इधर आप जो ड्राइवर सीट है उसको आप 8 वे में हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, ये आपका मैनुअल है, इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। पुश बटन स्टार्ट यहाँ पे दिया गया है, ऑटो स्टार्ट का है, ट्रैक्शन कंट्रोल का है। ट्रैक्शन कंट्रोल अगर आप कीचड़ वगैरह में चल रहे हैं, रोड भीगा पे चल रहे हैं, तो चक्का को स्किट नहीं करने देता है, ये ट्रैक्शन कंट्रोल। यहाँ पे हम स्टीयरिंग में बात करेंगे तो टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टीयरिंग में भी काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, जैसे क्रूज कंट्रोल, MID इंफॉर्मेशन, इधर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम का है, और ये आपका DCT वेरिएंट में है। सबसे पहले तो हम गाड़ी एक बार स्टार्ट कर लेते हैं, और ये DCT वेरिएंट में है। ये आपका ड्राइव मोड 3 मोड है, जैसे इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स, आप जैसा चल रहे हैं 60-70 की स्पीड में चल रहे हैं तो इको चलिए, इको मोड में चलिए, बेहतर आपका माइलेज देने में काफ़ी ज़्यादा ये रहेगा। हम यहाँ पे बात करेंगे इंफोटेनमेंट सिस्टम का, तो यहाँ पे आपको 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो कि ब्लूटूथ, एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले दिया गया है। यहाँ पे माइक लगा होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा साउंड में आपको फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे आपको पैनारोमिक सनरूफ आपको देखने को मिलता है, जो कि क्रेटा के सारे वेरिएंट में जितना भी है सनरूफ है उसमें आपको सब सेम ही सनरूफ मिलता है, उसमें आपको कहीं चेंजिंग नहीं किया गया। यहाँ पे आपको ड्यूअल जोन AC देखने को मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे वायरलेस चार्जर टाइप सी, नॉर्मली 12 वोल्ट का चार्जिंग और 10 ड्राइव सपोर्टेड आपको मिल जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकली पार्किंग आपको मिलता है, जो कि हैंड ब्रेक है ये इस तरीके से, और ये पी पार्किंग, आर रिवर्स, एन न्यूट्रल, डी ड्राइविंग, ए स्पोर्ट्स हो गया ये डायर, अगर यदि आप राइट की ओर प्रेस कर दिए तो ये स्पोर्ट्स हो गया। यहाँ पे आप ये हैंडल शिफ्टर से ही आप प्लस माइनस कर सकते हैं, इधर से प्लस कर सकते हैं, इधर से माइनस कर सकते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये अगर यदि हम बात करेंगे तो कूल ग्लव बॉक्स है, मार्केट से पानी बॉटल चॉकलेट कैरी करते हैं, तो गाड़ी बंद होने के 4 घंटा बाद भी आपको चिल्ड मिलता है। यहाँ पे आपको एक और छोटा सा जगह दिया हुआ है जो कि थीम वगैरह फ़ोटो वगैरह यहाँ पे लगाने का है, आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेड का जो दिया गया है वो काफ़ी मतलब अच्छा फील आने के लिए आपको इंटीरियर में रेड दिया गया है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं गाइस। और ये 6 एयरबैग है और चारों टायर में आपका डिस्क ब्रेक है, तो ब्रेकिंग और हैंडलिंग बहुत ही वाकई में काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर यदि इस रेंज में आप गाड़ी देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार आप टेस्ट ड्राइव क्रेटा का लें, जहाँ भी आपका शोरूम हो नियरेस्ट हुंडई का शोरूम वहाँ पे भी आपको टेस्ट ड्राइव अवेलेबल होंगी। अगर यदि हम पीछे के सीट में चलते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको रियर सीट दिया गया है जो कि 2 टाइप सी चार्जिंग का पॉइंट दिया गया है और फ़ोन होल्डर भी दिया गया है। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट है जो कि लेदर फिनिश में है और सीट वगैरह पूरा लेदर फिनिश में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये आपका जो आर्मरेस्ट दिया गया है वो आपको काफ़ी अच्छा मतलब लॉन्ग जर्नी के लिए काफ़ी कम्फर्टेबल आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट दिया गया है। और सीट जो है उसको आप 60-40 में आप इसको स्प्लिट आप फोल्ड भी कर सकते हैं, इस तरीके से 60-40 में आप इसको फोल्ड कर सकते हैं सीट को। और बूट स्पेस के बारे में बात करेंगे तो काफ़ी अच्छा बूट स्पेस भी है। बूट स्पेस में आपको पार्सल ट्रे वगैरह मिल जाता है, छोटा हैंड बैग वगैरह है तो आप इसको पार्सल ट्रे पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बूट स्पेस काफ़ी स्पेशियल है, मतलब एक फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा, ट्रॉली बैग 3 से 4 इजीली वे में आ जाएगा, कहीं कोई